तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर से महज 12 किलोमीटर दूर पर स्थित है पहाड़ों के बीच जटाशंकर धाम, एक प्राचीन काली मंदिर। यहाँ जटाशंकर भगवान स्वयं उत्पन्न हुए थे। पहाड़ों जंगलों के बीच यह धार्मिक स्थल आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ तीन कुंड है, जहाँ तीनों कुंडों में अलग अलग रंग और अलग अलग तापमान का पानी होता है। गौमुख से 12 महीने पानी निकलता है। यह पानी पहाड़ों के बीच से अदृश्य जगह से निकलता है। यह एक अश्रुधारा निकलती है, जिसके पानी को आंख में लगाने से आंखों की रोशनी लौट आती है। जटाशंकर के पानी से नहाने से कुष्ठ रोग जैसी बीमारी ठीक हो जाते हैं। शिलाओं में बने शैल्य चित्र प्राचीन कालीन है। माना जाता है कि देवसुर संग्राम में जटेश्वर नामक राक्षस का वध किया था और मन की शांति के लिए विंध्य पर्वत की इस स्थान पर ध्यान मग्न हुए और उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होने लगी। यही से इस स्थान का नाम जटाशंकर धाम पड़ा और जटाशंकर भगवान की उत्पत्ति हुई। अब यह धार्मिक स्थान एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ लाखों लोग रोजाना दर्शन करने आते हैं। जटाशंकर के आसपास मौनासया है, जहाँ गुफा में भोलेनाथ विराजमान है। जंगलों के बीच मौनासया है, जहाँ गुफा के ऊपर से पानी गिरता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित श्री जटाशंकर धाम क्षेत्र की हजारों हजार लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर जी ने देवासुर संग्राम में एक जटेश्वर नामक दैत्य का वध किया था। उसके बाद मन की शांति के लिए वह विंध्य पर्वत श्रृंखला के इसी स्थान पर आकर ध्यानमग्न हुए और यहाँ पर जटाओं से गंगा जी प्रवाहित होने लगी, जिसके चलते यहाँ का नाम जटाशंकर पड़ा। धीरे धीरे इस क्षेत्र की प्रसिद्धि फैली। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हुए, उनकी मान्यता मनोती पूरी हुई और यह स्थान एक बहुत बड़े धार्मिक स्थल के रूप में प्रचलित हुआ।